थोड़ा मेरा गिफ्ट, थोड़ा मोटू की मेहनत और जो भी ड्रेस में सिला पहले थोड़ा माधव की ड्रेस। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी के आशीर्वाद से आप लोगों के सभी के प्यार से। तो कर रही हूँ शुरुआत अभी रात को फिर से 9 बजे से, सेम टाइम है आजकल, रात को ही हो रहा है ब्लॉग बनाना, क्योंकि दिन भर में मैं ऐसे ही थी, बैठी हुई थी, थोड़ा सा तबियत ढीली ढाली सी लग रही थी, दवाई खाई, थोड़ा सा एनर्जी आई तो रील बनाई, और उसके बाद खाया पिया, सो गए, सो करके फिर थोड़ी देर बैठे रहे ये ऐसे ही। तो फिर अभी थोड़ा सा उसके बाद कान्हा की ड्रेस सिलने लग गई। एक ड्रेस सिल करके मैंने के सबको पहना दी है, और अभी दूसरी ड्रेस सिल रही हूँ छोटे वाले अपने बाबू माधव के लिए, उनके लिए ड्रेस सिलती हूँ। इसे भी अभी कंप्लीट करनी है क्योंकि सुबह उनको भी पहनानी है, दोनों को सेम ड्रेस बनाऊँगी, बना के पहनाने का इरादा बना रखा है। तो और खाने में मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, खाने में मेरे बच्चे बना रहे हैं खाना, इसीलिए मुझे ड्रेस कपड़े सिलने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। वो भी डांट डूट के लगा रखा है इनको किचन पे, ये तो ये कर नहीं लेते काम, थोड़ा डांट डूट के भेज रखा है कि मैं यहाँ पर सिल लूँ, ये तो मैं खाना ही बनाने में रह जाती हूँ, यहाँ पर मुझे समय नहीं मिल पाता है अच्छे से बैठने के लिए। तो खाने में बना रहे हैं क्या, आलू मटर की सब्जी, जो आस्था ने रख दी है, बन गई आलू मटर की सब्जी। और नैतिक का काम है आटा गूंदने का, जो नैतिक ने आटा गूंद लिया है, और आज महीने का लास्ट दिन है, 31 मार्च है, कल से एक महीना, काला महीना बोलते हैं इसको। तो उसमें हम लोग यहाँ भीटौला देते हैं, तो सबका भीटौला आ गया है, और मेरा भीटौला भी फर्स्ट में आ रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मेरा भीटौला भी मत लाना, मेरा मन नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब मैंने ही मना करा था, नहीं तो आ रहे थे वो जल्दी, तो शायद क्या पता कल आए वो। तो कल को होगी, अप्रैल फूल का दिन है कल, एक तारीख को, तो देखते हैं कल किसको ठग्गू बनाते हैं, और मैं कल ठग्गू बनाने वाला ब्लॉग भी बनाऊंगी, चुपके प्रैंक होगा कल, प्रैंक कल मैं प्रैंक वीडियो बनाऊंगी। अब वैसे मैंने पता बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए था कि मैं प्रैंक वीडियो बनाऊंगी, ये तो समझ गई, कल अप्रैल है, लेकिन प्रैंक करूंगी करके बता नहीं, पता नहीं चलता ना कि अप्रैल फूल बना रही हूँ मम्मी या क्या कर रही है। तो कल अप्रैल फूल, तो देखो कल का ब्लॉग में सोच रही हूँ कि कुछ धमालदार बनाया जाए, कि प्रैंक किया जाए, या तो पिंकू के साथ प्रैंक करूंगी, या आस्था आदि, कोई भी हो सकता है प्रैंक में, इसका मेरे पास टाइम है कल नैतिक जाएगा स्कूल, कल से स्कूल है नैतिक का, और आस्था का तो अभी कुछ नहीं है, पेपर दे रखे हैं। तो मैं अभी से अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ, जैसा भी होता है आप लोगों को दिखाती हूँ। और हाँ, मैंने एक अभी आज हमारे पास ना, आज नहीं कल, मेरे मोटू को कल भी नहीं है, तो कल ये हमारे घर में एक नई चीज़ आई है, तो उसे समझ सकते हो कि थोड़ा गिफ्ट भी है, अपनी भी है, गिफ्ट भी है, दोनों चीज़ है उसमें, थोड़ा अपना समझ लो, थोड़ा गिफ्ट समझ लो। तो मैं भी उसका भी ब्लॉग सुबह बनाऊंगी सोची थी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ढीला ढाला सा होने लगा था, मेरा कुछ मन नहीं करा बनाऊं करके, तो मैं अभी जाती हूँ दुकान पर, आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या हमारे लिए गिफ्ट भी है, और खुद की मेहनत का भी है, गिफ्ट भी है, दोनों ही चीज़ समझ सकते हैं उसे। तो अभी जाती हूँ मैं पिंकू के सामने, दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले थोड़ा माधव की ड्रेस सिल लेती हूँ, क्योंकि केशव की ड्रेस बना दी है, बना के उनको पहना करके उनके साथ रील भी बना लिया है। तो क्या काटा, रुके ना ना मशीन, तो कपड़ा भी जल्दी सिला जाता है, रुक रुक के चलती है तो बड़ा दिमाग खराब होता है, जब तोड़ तोड़ के धागा चलती है ना, दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, मन भी नहीं करता अभी सिलने का। तीन दिन में मैं आज बनाने जा रही हूँ कपड़े, तीन दिन तक मैंने कोई ड्रेस नहीं बनाया अपने लड्डू के लिए, नहीं चालू रखा था। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ दुकान में आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या हम लेकर आए नई चीज, और जो भी ड्रेस मैं सिल रही हूँ ना माधव के लिए, अपने कान्हा के लिए, और मैंने केशव को पहना के बैठा दिया, दिखाती हूँ कैसी ड्रेस बनाई है मैंने। आओ, ये है हमारे केशव के लिए, इसने गधे ने पूरी बैटरी डाउन कर दी है ना, सॉरी वो फ्लैश नहीं ऑन हो रही है, तो ये मैंने गर्म हो रही है, ये बनाई है अभी ड्रेस केशव के लिए, तो अभी कान्हा के लिए, माधव के लिए भी बनानी है, तो माधव के लिए बना रहे हैं ये। तो मैं पहुंच गई दुकान पे, और यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसे करते हैं वीडियो के आगे, ऐसे जैसे मेरी तारीफ हो रही होगी कोई प्राइज ला के देगा। तो ये है थोड़ा मेरा गिफ्ट, थोड़ा मोटू की मेहनत, दोनों चीज़ है ये, तो इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, ये 3-4 साल से सोच रहे थे लाता हूँ लेकिन उलझनों में उलझ जाते थे कभी, हैं
कभी मतलब कभी परेशानियों में उलझ जाते थे, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। आज सपना पूरा हुआ है मिस्टर जी का, ये फ्रिज लेके आए हैं जो इसमें ठंडे भर रखे हैं इन्होंने सारे। ये है हमारा फ्रिज, तो ये है। उन्होंने मेरे से 4-5 दिन लड़ाई की थी, 4-5 दिन नहीं, 1 महीने तक लड़ाई हुई थी हमारी। एक मिनट रुको, तो 1 महीने से हमारी लड़ाई हुई थी, इसीलिए आप लोगों को मेरे ब्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और वैसे भी आते नहीं है, नखरे दिखाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या समझ सकते हो आप लोग। तो अभी भी देखो कितना मासूम चेहरा, इतना मासूम चेहरा बनाते हैं ब्लॉग में और किसी के सामने, और हकीकत जब मेरे पास होते ना, मैं छुप के वीडियो बनाऊंगी और इनकी दिखाऊंगी, पक्का दिखाऊंगी, 100% दिखाऊंगी कि ये कितने तेज है। खाली फोन के सामने इतना सीधा बनता है, और सब लोग बोलते भी है पिंकी बड़ा सीधा है, दीपा वो बड़ी तेज है, भाभी तो बड़ी तेज है, यहाँ के लोग भी बोलते हैं पिंकी भैया बड़े सीधे हैं, माइकी वाले भी मेरे सब बोलते हैं, नहीं जीजा जी तो सीधे हैं, जमाई जी तो सीधे हैं, दीपा ही तेज है, जो मुझे पता है कि कौन तेज है कौन बोया करके। तो मतलब इनका सपना पूरा हो गया ये, और मैं कुछ इनसे डिस्कस करने आती हूँ ना। तो खाना बन गया, खाना बना दिया तुमने, बन गया खाना, बन गया, चल 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 खाना बना दिया। आँख की हालत देखो और मोबाइल यहाँ देखो, मोबाइल नहीं छोड़ने। आप लोगों को पिछले बार मैंने ब्लॉग में दिखाया होगा, पिछले महीने अभी साल भर भी नहीं हुआ है, बड़ी मुश्किल से इनकी आंखें बनाई बेचारे, बड़ी मुश्किल से आंखें ठीक हुई। और अभी देखो क्यों कर। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ घर को, ये थोड़ी देर में आएंगे, जब तक रोटी वोटी बनाते हैं। बनाएंगे खाना, आस्था बना रही रोटी, अरे सीखेंगे कम से कम।